प्यजन करे भूला बे मौत मरले। ना आप कुछ नहीं कह सकता, Hello. हम क्षमा प्रार्थी हैं हम। Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. I hope आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो यार मेरे हाथ में ग्लव्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। हमें जाना है थल की ओर, तो तैयार हो गया, हम घर से आ चुके हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आज कर रहा हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह 6 बजे से। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा दृश्य, दिखाइए जरा। बेरे ये बर्फ नहीं पड़ी है गाइज, ये पाला है। कभी पाले से सामना हो तो ज़रूर बताइए। और इसको पहाड़ी में कहते हैं तुषारो, तुषार खमगिरा हो दाजिया। इधर खमगिरा भी माइनस में जा रहा हो टेम्परेचर, बहुत ठंडा हो रहा है यार। -1 तक पहुँचा होगा। देवी जी के हाथ में कोई ग्लव्स ही नहीं है, अकड़ गए हैं, तो इतना ही रखते हैं। गाइस बर्फ खानी है तो आ जाओ हमारे पहाड़। कुछ नहीं है सर, ये तो सारू है तुषारू बेटा। यू जाने एल खेल कर ला लकड़ी ली जाग तू। चलो चलो चलो, ये देखो वाओ। अब हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी यार, हे भगवान, बहुत टाइम लगाते हैं स्टार्ट होने में। जहो जहो तुम्हारा चल रहा हमारी गाड़ी गाड़ी। बाप रे क्या ही कहें, कैसे जाया जाएगा थल इतने ठंडे में। लेकिन जाना जरूरी है, स्कूल भी है, यहाँ से जाने के स्कूल जाना है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे हाथ काम करेंगे या नहीं करेंगे थल जाने के बाद। चल रहा हमारी, हाँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। सनराइज होता हुआ दोस्तों यहाँ पे, मॉर्निंग का व्यू। शिखर धुरा घाम लागी गो छोड़ दे भीना मेरी धापेली। देखो ला कद बड़ी घाम आ रही, वहाँ पर्वत देखो हमारे बिल्कुल चांदी में जैसे सोने की हल्की सी वर्क चढ़ाई हो वैसा लग रहा है। घाटी की ओर जा रहे हैं, वैसे ही ठंडा ठंडा बढ़ रहा है और वैसे ही चू हो रही है यार, चू हो रही है। क्योंकि यार ऊपर को पाला पड़ा था उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि धूप आ गई है, अब नीचे को कोहरा लगेगा तो और टेंशन है कि फिर कैसे सहा जाएगा। हे भगवान, पहुंच गए हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों के ऊपर से जा रहे हैं, बादलों के ऊपर से। वाओ नाइस व्यू, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यहाँ तो उजाला ही नहीं हो रहा है यार, हे भगवान, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब हाथ गर्म करने का एक ही उपाय है भाई साहब, गैस जलाओ और हाथ गर्म करो। अंगला टुक पर लोग पूछ गया यार, पपरे में कैसा चिता रहे हो। पहली बार मैंने आज हीटर लगाया है इस पूरे सीजन में। अभी सीजन ही आया हीटर वाला, अब कमरा देखो कैसा हो रहा है। छी गाइस मैं पहुंच गया हूं घर और सुबह बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था और अब है पटा है और देवी जी यहाँ खिड़कियाँ खोलते हुए देख सकते हैं आप। अच्छी थकान लग गई है, जरा उजाली में आई है, आप बहुत चमक रहे हैं, चमक ऐसी जी की नहीं जैसी है। काली बुतनी है ही नहीं, इतना ठंडा लगा है ना आज, बता नहीं सकती हूँ, हालत खराब हुई है। स्कूल में जाके धूप में काली हो गई, घर आ गई हूँ, बोलने की भी ताकत नहीं। थोड़ी देर में मिलूंगी, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, ठीक है, ओके बाय बाय। ये थकान लग गई ना, एक बहुत ही खतरनाक गाना याद आ रहा है, गाई देता हूँ। ब्याजन करे भूला बे मौत मरले,
प्याजन करे भूला बे मौत मरले, श्याणी का डरले सब काम करले, आहा श्याणी का डरले सब काम करले। अले ताड़ली पान बल्लो कोली पूज रहे छे आ घरे है ने। कब काम इनसे काम करने को, कब किया तुमने काम? आप ज्यादा मत बोल लो। क्यों गाना है तुम्हें गाना है? मैं किस परपस पे आपने ये गाना सुनाया है जरा ये बताओ मुझे। थक के आ रही हूँ मैं, चाय बना के दूंगी अभी तुम्हें, खाना बना के दूंगी। और आहा क्या बोल रहे हो सा, मैं करूंगा काम। चाय मिलो लगा दे रे काल भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है ना, एक बखत एक बखत सुना एक बखत सुना दियो ने, तब उसके बाद सुपर ये एनर्जी की डोज थी। अब देखो मेरे को तुरंत चाय मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है, अब मिलेगी चाय। सोच अब मिलेगी चाय, मिलेगी, अब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, देख लेना, बिल्कुल मिलेगी। नहीं भाई अब बनाऊंगी नहीं, काम कर खुद के लिए गया है ना, काम करूंगा करके स्कूल से आके, वरना करो मेरे को भी पिलाओ चाय। नो 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 नो, ये तो एनर्जी की डोज थी, ग्लूकोन डी था ये। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, थोड़ा काली हो गई है। अब क्या कहना चाहोगे तुम? देखो बूस्टर डोज का कमाल हो गया, बन गया आ गई चाय, सुनाना पड़ता है ना थोड़ा। पड़ोसियों से भी मुलाकात नहीं हो पा रही मेरी आजकल, छत में आने का टाइम ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं हैं? इतना बिजी हूँ मैं, क्या करूँ। कैसे हो आप? बढ़िया। ठीक हो? और आप कैसे हो? कैसे हो बताओ ना। बस काले एकदम। किससे हो रहे हो काले? धूप से या आग से? धूप से यार, आग कैसे? चेहरा तो दिखाओ फिर, शक्ल तो दिखाओ। हो गया ओ जो आज आई है, आज आग जला तो आते हैं, जलाऊं आग? कितना बज रहा है शाम के? चावल की रोटी कल ही खा के आई हूँ यार मैं, थोड़ा खाई भी खिला दूंगी आपको। ना ना ना, चावल और मड़वे की रियाल की वाली बनाऊ, पक्का। मड़वे का आटा है मेरे पास, क्यों होता है यार फाड़े? अगर आप खाओगे ना मतलब टेस्ट नहीं भूल पाओगे दोबारा। नहीं चावल की रोटी में वो चावल के आटे में वो गेहूं बना के नहीं तो गेहूं मिक्स किया, थोड़ा मड़वा किया, थोड़ा चावल किया, तीनों मिक्स करे, रियाल के बनाया, बढ़िया घी लगाया, तभी तो मैं खिलाऊंगी। कह दू मेरा मड़वे का आटा है, खाओगे तो बताओ पक्का। हम सारा करेंगे तेरा, अल्लाह खजावे, अल्लाह बड़ी दिल दे रहा है। खास तो पड़ूंगी तो यार, स्कूल से आने के बाद धूप सेकने का टाइम नहीं होता, जितना सेका स्कूल में सेका, और छत पे आई तो धूप ही चली गई, क्या करूं मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। दिन तो इनके आए, दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, कुछ काम ना है नहीं इनका। अब आगे में गए फिर से कह दो यार, मेरी स्वेटर से मेरे आईनक से इनकी शक्ल मैच हो रही है क्या? नहीं हो रही है यार भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो, गोरे तो हो आप। ए डोनो क्या कर रहे हो तुम? हलचू हलचू, नन्नू भी है तेरे साथ, हेलो कर दे फिर नन्नू, हेलो कर दे, हेलो कर दे हलचू। काली बोल क्या कहना चाहेगी? नहीं हूँ मैं काली, बोल मैं नहीं हूँ काली, गोरी है ना तू? नन्नू तू कैसी है? मैं भी गोरी हूँ, कोई नहीं हो रहा काला, आप ही हो रहा दिन भर बैठे बैठे काले, यहाँ बच्चे से कह रहे हो काले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा काली हो रही है ये हमारी पड़ोस। ना मैं तो काली हुई थी। मोटी भी हो रही है ना ये, काली भी हो रही है, मोटी भी हो रही है ना? मोटी तो हुई, सुंदर तो हुई थी, ऑलरेडी मोटी हुई, डिंपल पड़ रहा है काल में, आज शर्मा रहे देखो हमको, देखते डिंपल तो पड़ता ही है, यो तारीफ नहीं कर रही मैं। डिंपल तो मेरा भी पड़ता, तो यहाँ पे का मानस नहीं होगा ना आपका, तभी डिंपल पड़ता है ना, कुछ होता है ना कमी की वजह से यार। एक चीज तो एक छोटा सा हिस्सा कम होगा, डिंपल पड़ता है नहीं तो हमारे नहीं पड़ता, कमी होता है बोलते हैं ना, है आप कभी है? मेरा क्यों नहीं होता होगा डिंपल, बहुत बहुत भाग्यवान होते हैं डिंपल वाले लोग। क्या कमी है बताओ जरा, भाग्यशाली हो आप, पक्का खाओगे? एकदम सुकुवाल से वो बना चिकन, रात पेट बोतल में लेके आती हूँ मुर्गा की, तू बनाएगी और बर्तन आता बोतल से क्या करोगे? क्या पसंद है, भुटवा पसंद है वो चिकन पसंद है? भुटवा यार, क्यों यार भुटवा क्यों पसंद है? क्यों पसंद है आप बताओ, बताओ ना फिर, सब उसी का बना ली बता दी होती सब उसी का बना बोल फिर। नहीं नहीं भुटवा क्यों पसंद है वो बताओ ना, इनका भुटवा क्यों पसंद है वो बताओ। मैं काली होकर के
इस बकरा गोबर स्वाद आ रहा है। मैं कह रही हूँ कि मुर्गी में भी गोबर मत निकालना, मुर्गी के गोबर का भी स्वाद आएगा। बकरा का नहीं गोबर, बकरा का गोबर नहीं लगती, बकरी होनी भी तो चाहिए। तभी तो पालो कह रही हूँ यार, तुम बाजार में बकरी पालो, बिजनेस करो, तुम कहाँ लगे स्कूल पढ़ने में। धूप सेकने का टाइम होता है ना, छत मारने का टाइम होता है। पड़ोसियों से भी आज मुलाकात हो रही मेरी बहुत टाइम बाद। तो सुबह उठो, स्कूल चल दो, शाम को आओ, थोड़ा बहुत घर का काम करो, छत मार कर धूप चले जाती है कि छत में क्या ही आए। तो आज बहुत टाइम बाद छत मारने का मौका मिला मुझे, तभी आपको दिखा पा रही हूँ थल का बाजार, थल की बाजार। ये देख सकते हैं आप बेहतरीन दृश्य शाम का, धूप चली गई है, अब रात होने वाली है भाई। यार दोस्तों आज मैं 5 किलो की गोभी लाई हुई नहीं बड़ी है यार, दुकानदार ने मुझे फनकाया और मैं ला गई। देखो फिर ये क्या ही होंगी फिर, मैं इतनी बड़ी गोभी अभी कब खाई जाएगी, कितने दिनों में खाई जाएगी ये गोभी, अखल नहीं बनाना पड़ता है। नन नन्नी थी मतलब ये घर की गोभी है, ये छोटी छोटी होती तो वो जा अंगुल में ले क्या लाने वाला जियो, के हाल नहीं भला तेर, के हाल नहीं भाई मेरे, कुछ आप खून आएगी। तो क्या कहाँ पहुँची थी मैं, गोभी में पहुँची थी, साथ में हाथ भी कट गया, ये बर्तन धो रही थी ना मैं अभी, तब कटा होगा ये हाथ मेरा, बर्तन धोने में मेरा हाथ ही कटता है। मन का घास काटने में हाथ काटी, मेरे बड़े दिन में काटी बिटिया अच्छी। तो इसको काटते हैं, इसका ही बनाते हैं आज प्यार। अब मैं आपसे क्या ही कहूँ, अब मैं कहीं रहती हूँ, मैं रह भी नहीं पाती हूँ, मैं कुंजल लग जाए आज यार, ये एलोवेरा लगी मैं दी हफ्ते यार, और ये मैंने अभी तक मुँह पर ही लगाया है। मतलब मुझे बीमारी होती है तो मैं वो दवाइयाँ नहीं खाती हूँ नंबर वन, इसीलिए मेरी बीमारी ठीक नहीं होती है नंबर टू। और अब मैंने सोचा था ये नाक में जो धब्बा है उसके लिए मैं एलोवेरा लगाऊंगी, उसी दिन लगाया होगा, मतलब जो जो उसमें उसी दिन लगाया होगा, उसके बाद इसकी बारी नहीं आई है, ये छड़ गया यार, क्या करूँ मैं बताओ। मुझे कुछ चीज़ कुछ भी चीज़ कुछ भी काम मुझे याद ही नहीं रहते कि मेरे को ये करना था। दवाई खानी होगी, बीमार होंगी तो सोचूंगी सुबह खाऊंगी, फिर सोचूंगी थोड़ा काम कर लेती हूँ अभी खाऊंगी, वो अभी अभी करके सुबह हो जाती है, पता नहीं चलता है। रात की दवाई सुबह खानी पड़ती है, फिर सुबह की शाम, ऐसा होता है मेरे साथ। तो ये एलोवेरा के लिए कुछ इशारा जानी छड़ बैर नहीं चाहिए, मेरा मुँह खुलाया एक दिन लग रही मात्र, जिस दिन लाई उस दिन जो जो उसमें उस दिन लगाया, उसके बाद इसका लगाने का नाम नहीं है। तो फिलहाल बनाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं आपसे, देखते हैं किसकी सब्जी बनती है, डिसाइड नहीं हो रहा है गोभी बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ, अंदाजा ऐसा नहीं आ रहा है। अभी आप कह रहे थे एक बार और कह के दिखाइए, जरा जरा बताइए 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 क्या मैंने खाना कैसा बनाया। A1 अति उत्तम। अल्लाह की कुंछा में दे, थोड़ा थोड़ा बांझ लगन जरूरी है ना, ताकि इम्प्रूवमेंट होता रहे। मतलब तो कभी तुम खुद बनाया करो तब हमसे भी कहा करो ना भाई, नहीं तो एक ही स्वाद बार बार खा के आदमी पक जाएगा ना, पक जाएगा ना। हाँ। तभी तो मैं भी पक जाती हूँ ना अपने हाथ का खा खा के, तुम भी कभी मेरी हेल्प किया करो, कभी मेरा हाथ बटाया करो। पढ़ने का ना बांझ ब्रूस इम्प्रूवमेंट के लिए लगाए जाते हो। क्या नहीं तो स्वाद हाथ का चला जाएगा मैडम, चला जाएगा। कभी अपने हाथों का भी स्वाद हमको भी दिया करो, हमारे खाने में दायरे में आता ही नहीं है ना, मेन दिक्कत तो जो दूसरा बनाता है ना, चुपचाप खा लिया करो, चाहे जलाओ चाहे भुनाओ चाहे बासी हो तिबासी हो, ठीक है नहीं। मैंने तारीफ की कर दी, दूसरा बनाए तो दूसरे की भी तारीफ कर लिया करो। लड़ने की आज ऐसा भयंकर ने ना, 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 नहीं नहीं याद नहीं, तू स्वाद खाने बनाए पे नु तारीफ कर दीजिए, ओए कै कै भरन कै कै भरन दे हला भयंकर तैमी ते गड़बड़ा कर दी सा। रोज खाना बनाती हूं खल्ली ननू तारीफ कर दे, मेरे लिए मन रह जा नहीं रलो ही नहीं रलो मेरे मन रलो ने मेरे मन चाहे मैं खान कसले बनू चाहे मैं गंदा खाना क्यों नहीं बनाती हूं, लेकिन तारीफ कर लेते तो थोड़ा गंदा भी बना होगा तो मुझे लग गया कि चलो यार मैंने अच्छा खाना बनाया है। कब्बे तारीफ नहीं हो, कब्बे तारीफ नहीं हो, मतलब और अफो खान बुनना कहो तो कल्ली खान पका दे शाग ले काट अल्लाह धनी आ रहा मैं शाग में कश आली धनी मैं कश के आ रही हूँ धनी शाग में नहीं अफो तो तू कटक लाए धनी आ गए आप मैं बताती हूँ आपको, मैं पूरी बात बताती हूँ,
मैं सब कुछ बताऊंगी आपको आज, फैसला हो गया रहेगा इस बात का, ठीक है नी। मैंने बोला धनिया, मैं रोटी बना रही थी, मड़वे की रोटी बना रही थी, मैंने कहा धनिया बना, धनिया सब्जी में डालने के लिए अंदर आ दो प्लीज। बड़ी मुश्किल से उठे, आज अंदर आए, धनिया धोया नल में, मुंदी निमर नावर हेल दिया। हाँ हवा बता चक्कू, हे बेगा हम हवा बता चक्कू नहीं उलाई, नहीं उलाई हम बता चक्कू, चक्कू भ्याई हमारे बिता चलो ना ना टुकड़ो बनाई दे बहु से दुई निमर उन्हें दुई टुकड़ो बनाया हेल दे बजा लो ना। हाँ तश खन दे नया बे और मैं बनू मैं गैल ने आज आज की बार शाग दोनों गाढ़ नो अश्वाद दिन बल है वो पता हाग स्वाद नहीं बेहू पेट में नहीं शाग ने क्या क्या कहना चाहोगे आप बोलो। ना ना हम कुछ नहीं कह सकते, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम हार गए आपकी इस बात से कि आपकी हमने तारीफ कर दी। हाँ। और उसके ऊपर बांध बुरुज लगाई। हाँ, तो आज से नहीं लगाएंगे ना। अनुरोध है आपसे कि आप ये ब्लॉग को यहीं एंड कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट।